नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को एसआर मीडिया चैनल में। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आईबीपीएस आरआरबी रिक्रूटमेंट 2019 बैंक में 12,000 से भी ज्यादा पदों के लिए निकला है भर्ती दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आईबीपीएस मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है। तो यहां पे 12,000 से भी ज्यादा पदों के लिए निकला है भर्ती। आप बहुत ही जल्दी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जून 18 तारीख से आवेदन करने के लिए इसमें डेट है और जुलाई 4 तारीख तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख जुलाई 4 तारीख का ही आवेदन करने के लिए इसमें जो बैंकिंग सेक्टर का, ग्रामीण बैंकिंग सेक्टर का, इसमें ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 पदों के लिए यहां पे भर्ती निकला है फ्रेंड। आप बहुत ही जल्दी इसमें आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड। इसमें आयु सीमा और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन देख के क्लियर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आयु सीमा इसमें नोटिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे जाके भी आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है, देखिए दोस्तों इनका ऑफिशियल वेबसाइट है https://ibps.in। ठीक है दोस्तों, ये जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहाँ विजिट करके पूरा जानकारी ले सकते और ऑनलाइन खुद से आवेदन कर सकते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 18 जून ये ऑनलाइन आवेदन कर सकते, 18 जून से लेकर ये ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और जुलाई 4 तारीख तक आवेदन करने की अंतिम तिथि बंद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए 7,373 पद खाली है दोस्तों, और ऑफिस स्केल 1 के लिए 4,856 पद खाली है, और ऑफिस स्केल 2 के लिए 1,746 पद, और स्केल 3 के लिए यहां पे 207 पद खाली है दोस्तों। मतलब वैकेंसी खाली है, ये पूरा वैकेंसी है, यहां पे बहुत सारा वैकेंसी है दोस्तों, अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग वैकेंसी है। और यहां पे लिखा है देखिए 4 तारीख तिथि 4 जुलाई को आखिरी आवेदन करने का आखिरी तारीख दोस्तों। यहाँ पे परीक्षा का आयोजन किया जाएगा 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा भी अन्य सभी पदों के लिए 4, 3, 11, 17, 18 और 25 अगस्त को भी आयोजन किया जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो उम्र, जो समय सीमा उम्र का जो पाबंदी है वो पूरा नोटिफिकेशन देख के क्लियर हो जाए, क्योंकि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। तो पूरा डिटेल में देना यहाँ पे संभव नहीं हो रहा फ्रेंड। तो इसके लिए आप पूरा यहाँ पे विजिट करके, इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे विजिट करके ये देख सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे 100 से लेकर 600 रुपया तक ही आपका लगेगा आवेदन करने के लिए, इससे ज्यादा नहीं लगेगा दोस्तों। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं एक बार। और इसका बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा सैलरी है दोस्तों, काम भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस ऑफिशियल काम है दोस्तों। आप बहुत ही जल्दी इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे 4 जुलाई का आवेदन क्लोज हो जाएगा, 18 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। इनका नोटिफिकेशन देख के आयु सीमा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यह क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। तो दोस्तों देर मत करिए, बैंकिंग सेक्टर का 2019 में बहुत बड़ा वैकेंसी है, 12,000 से भी ज्यादा दोस्तों। इसमें खूब अच्छा खासा सैलरी है फ्रेंड, क्योंकि ये सब बैंकिंग सेक्टर का बहुत ही ज्यादा सैलरी रहता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये अगर आगे भी आपको ऐसा जानकारी चाहिए तो आप हमारा सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों। बेल आइकन दबाने से समय समय पे आप लोगों के पास जॉब संबंधित नोटिफिकेशन भी आते रहेगा फ्रेंड। चलो दोस्तों, वीडियो किसी और को चाहिए तो जरूर शेयर कर सकते हैं, अगर एक लाइक देना मत भूलिए फ्रेंड, क्योंकि लाइक से हमारा मनोबल बढ़ेगा फ्रेंड। चलिए दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।